Hello my dear student, I welcome to all of you in my online classes. Student, as you know we are discussing about information and communication technologies. I have discussed the many things about the ICT in my previous videos. Like in that video I have discussed about the ICT tools and features which help us to complete our day-to-day life. In our today's video, I am going to explain you about the various components of computer system which help computer to complete any task. Okay, so let's get started and understand what are the computer systems. Okay, what are the component of the computer system which help to the computer. Now, the first thing here I want to introduce you about the computer. A computer is an electronic device that has device to enter data, store data and process raw facts and figures according to the given instruction, right? And give the desired result on output devices. See, beta, यहाँ पे हमने simple सा ये देखा कि computer हमारे electronic device है जो हमसे क्या लेता है, input लेता है, ठीक है? और वो input क्या होता है? Raw facts and figures होते हैं. वो process, वो proceeded information नहीं होती, वो एक raw fact होता है. और according to the instructions, process computer क्या करता है? Process करता है और उसके बाद हमको एक output मिलता है. अब यहाँ पे डेटा की बात करेंगे. डेटा क्या होता है? रेफर्स और रॉ फैक्ट एंड फिगर, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 एंड इंग्लिश. यहाँ पर 1, 2, 3 एक न्यूमेरिक डेटा है और इंग्लिश इज अ एक सब्जेक्ट की तरह उसको हम देख सकते हैं. दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? जब कंप्यूटर इस डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, नाउ इट बिकम इंफॉर्मेशन. नाउ इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन रेफर्स टू प्रोसीडेड डेटा. इसका मतलब टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट. जैसे कि मान लिया हमने स्टूडेंट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करे, ठीक है, और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर ने क्या निकाल के दिया, उसका परसेंटेज और वो पास है या फेल. ये हमारा क्या हुआ? इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. इफ अ टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर, सो इट विल बी कंबाइनिंग ऑफ टू थिंग्स. फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर. व्हेन यू क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट द कंप्यूटर, द पिक्चर्स यू हैव टू यू सीन, ओके, दैट पिक्चर्स कम्स विद द कंप्यूटर monitor, like keyboard, like mouse, right? Speakers, right? Printer and the many more. So these pictures which you seen after closing your eyes is known as computer hardware. Yeah, computer hardware makes computer physical, right? Now the physical part of a computer such as input devices, output devices and central processing units and storage devices are called computer hardware. Okay. Now, जितने भी फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम के बेटा, वो सभी, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हो, चाहे वो आउटपुट डिवाइसेस हो, चाहे वो कोई भी पेरिफेरल डिवाइस हो, उन सभी को क्या बोलते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो सारे हमारे, चाहे वो इंटरनल कंप्यूटर के पार्ट हो, चाहे वो एक्सटर्नल कंप्यूटर के पार्ट हो, वो बेटा सभी के सभी क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर कहलाएंगे. ठीक है, सिंपल. वो सारे कंप्यूटर जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, उन सभी को क्या बोला जाएगा? कंप्यूटर हार्डवेयर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. द सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम और एप्लीकेशन दैट रन ऑन कंप्यूटर. इसका मतलब क्या होता है बेटा? विदाउट सॉफ्टवेयर वी कांट डू एनीथिंग थ्रू कंप्यूटर सिस्टम. एक हमारा क्या है? आइडल डिवाइस होगा, एक सिर्फ खाली एक कंप्यूटर हमारा क्या बन जाएगा? एक मशीन बन जाएगा. लेकिन जब तक उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा, हम कंप्यूटर पे कोई भी काम नहीं कर सकते हैं. तो सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम और एप्लीकेशन दैट रन ऑन कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम. सो बेटा यहाँ पर हमने दो चीज देखी, क्या? अबाउट द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर. बोथ आर इंडियन डिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है. विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्किंग. ठीक है, विदाउट हार्डवेयर ऑल्सो सॉफ्टवेयर विल नॉट वर्क, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंप्यूटर हार्डवेयर. नाउ द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर, राइट? अ कंप्यूटर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल कंपोनेंट. और फिजिकल कंपोनेंट क्या है देखते हैं बेटा, यहाँ पे फिगर में देखते हैं. ठीक है, नाउ इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, ठीक है, एक्सिलरी स्टोरेज एंड आउटपुट यूनिट. यहाँ पे एक एक चीज करके देखते हैं. सबसे पहले क्या बेटा, कंप्यूटर सिस्टम को अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? इनपुट से, इनपुट डिवाइस हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को दें. अब कंप्यूटर के पास सीपीयू ऑप्शन होता है. सीपीयू करता क्या है? हमारे इंस्ट्रक्शन को लेता है और उसको प्रोसेस करता है. नाउ प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले इसको चाहिए होती है मेमोरी, जो कि वो सेकेंडरी स्टोरेज से लेकर आता है. ये सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? हमारे मैग्नेटिक टेप हो सकते हैं, मैग्नेटिक डिस्क हो सकती है, सीडी हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकता है. ठीक है, यहां से क्या करता है?
मेमोरी उठाता है और मेमोरी को उठाने के बाद प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, प्रोसेस करने के बाद ये डेटा हमारे मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है और फिर आगे आउटपुट के लिए इसको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा आर्किटेक्चर वर्क करता है। सबसे पहले क्या इनपुट डिवाइस से क्या होगा, इनपुट लिया जाएगा, फिर ये कहां पे जाएगा, प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर को प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए, एक टेक्स्ट मेमोरी फ्रॉम द मेमोरी यूनिट। ठीक है, आफ्टर टेकिंग मेमोरी, ठीक है, इसके ऊपर प्रोसेस होगा। प्रोसेस करने के बाद हमारे कंट्रोल यूनिट और एएलयू इस पे वर्क करेंगे। आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिजल्ट आएगा वो कहां पे स्टोर कर दिया जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर कहां पे दिया जाएगा, आउटपुट यूनिट को दे दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रोसेस होता है। और इनपुट डिवाइस होते क्या बेटा, इनपुट डिवाइस आर यूज्ड फॉर एंटरिंग डेटा और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, इट एक्चुअली वर्क्स फॉर द कंप्यूटर, यानी कि किसके लिए काम करता है, कंप्यूटर के लिए काम करता है ये। नाउ फंक्शंस आर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक, इट कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन विद इन अ कंप्यूटर, कौन सा ऑपरेशन पहले होगा कौन सा बाद में होगा ये कंट्रोल कौन करता है, आपका सीपीयू करता है। इट गिव्स कमांड्स टू द अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, इसके साथ साथ सीपीयू अदर कंप्यूटर के पार्ट्स को भी क्या करता है, कमांड प्रोवाइड करता है। इट कंट्रोल द यूज ऑफ मेन मेमोरी ऑफ स्टोरिंग डेटा एंड स्ट्रक्चर, इसके साथ साथ ये मेन मेमोरी यानी कि आपका जो रैम है उसको भी कंट्रोल करता है, उसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, सेव करता है। इंस्ट्रक्शन और जो डेटा हमारे होंगे उसको भी क्या करेगा, सेव करेगा कहां पर, मेन मेमोरी में। ठीक है, अब सीपीयू के पास कुछ पार्ट्स होते हैं, उसके कुछ फ्रेंड्स होते हैं कह सकते हैं आप, या उसके कुछ हेल्पिंग हैंड्स हो सकते हैं जो कि सीपीयू को हेल्प करते हैं फॉर प्रोसेसिंग। पहला होता है हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, एएलयू, जिसका काम हमारा क्या होता है, किसी भी प्रकार के अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन को करना होता है। नेक्स्ट हमारा होता है कंट्रोल यूनिट, जो कि हमारे इंस्ट्रक्शन को, जो हमारे कंपोनेंट को, जो हमारे इंस्ट्रक्शन आते हैं उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सीयू करता है। और मेन मेमोरी क्या करता है, हमारे डेटा को और हमारे इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम करता है। अब बेटा हम बात करते हैं एएलयू की, एएलयू परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक का मतलब जितने भी हमारे अरिथमेटिक ऑप्शन है, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है, एक्सपोनेंट, एंड लॉजिकल में लेस देन ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। अब कंट्रोल यूनिट करता है क्या बेटा, वो देख लेते हैं। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा एंड इनपुट डिवाइस टू मेमोरी एंड फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइस। इसका मतलब क्या, पूरा का पूरा कंट्रोलिंग का काम कौन करता है, इंस्ट्रक्शन का कंट्रोल यूनिट। वो क्या करता है, जो भी इनपुट आ रहा है उसको कैसे प्रोसेसिंग में भेजना है और कैसे जो आउटपुट है उसको मेमोरी में कैसे भेजना है, ठीक है, ये हमारा कंट्रोल यूनिट का काम है। इट डज नॉट प्रोसेस द डेटा, सीयू कभी भी डेटा को प्रोसेस नहीं करता है, उसको करता है आपका एएलयू एंड एएलयू करता है। व्हेन द प्रोसेसिंग बिगिन द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम इज सिलेक्टेड एंड फेड इनटू द कंट्रोल सेक्शन ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज। यानी कि जब भी कोई प्रोसेसिंग के लिए कोई स्टेटमेंट आता है, इंस्ट्रक्शन आता है, सबसे पहले उसको सिलेक्शन होता है कंट्रोल यूनिट के थ्रू, ठीक है, इट इज देन इंटरप्रेटेड, देन द सिग्नल आर सेंड टू द अदर कंपोनेंट ऑफ द परफॉर्म द नेसेसरी एक्शन। उसके बाद जो हमारे सिग्नल्स होते हैं आगे दूसरे कंपोनेंट को भेज दिए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज देन सिलेक्टेड, इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड। ये चार पार्ट आप देखिए, ठीक है, सिलेक्शन, इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड, इसका काम कौन करता है, ये कौन करता है, सीयू करता है। दिस इज कंटिन्यू टिल द इंस्ट्रक्शन आर प्रोसीड, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन प्रोसीड नहीं होते तब तक ये हमारा होता रहता है, सिलेक्शन का, इंटरप्रेटेड का और एग्जीक्यूटेड का, ये कौन करता है, सीयू। अब हम बात करते हैं सीपीयू के पास कुछ अपना खुद का मेमोरी होता है, उसको बोलते हैं रजिस्टर या फिर उसको कैश भी बोलते हैं, ठीक है। These are temporary storage area found the CPU in modern computer. CPU के पास भी कुछ अपना मेमोरी होता है और उस मेमोरी को बोलते हैं रजिस्टर या फिर कैश मेमोरी। Now after hardware, let's talk about the software, right? It's a logical part of the computer system. We can see but cannot touch. याद रखिएगा बेटा, हार्डवेयर पार्ट को हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के पार्ट को सिर्फ खाली हम देख सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं, ठीक है। इट इज अ लॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। द सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क फॉलोइंग आर द कैटेगरी सॉफ्टवेयर। अभी कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे आते हैं, सबसे पहला होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड वन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी हम क्या करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर।
ठीक है, और लैंग्वेज प्रोसेसर को भी हम तीन बार पार्ट में डिवाइड करेंगे, कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जिसमें से जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है और एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। चलिए एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि सॉफ्टवेयर का क्या रोल है एक कंप्यूटर सिस्टम में। चलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो जैसे कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए या लैंग्वेज प्रोसेसर हो गया, इन सभी को क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए या मोबाइल डिवाइसेस के लिए या फिर अदर कोई डिवाइस हो उसके लिए, स्पेशली डिजाइन फॉर द सिस्टम, राइट। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि अगर आपको पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करना है तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसमें से एक सॉफ्टवेयर हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर कम अंडर द कैटेगरीज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर स्पेशली डिजाइन फॉर द डिवाइसेस और मशीन्स, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पे मास्टर कंट्रोल का मतलब क्या है, ये आपका बेस प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कि मशीन, जिसको जो मशीन अंडरस्टैंड करता है आपका, यानी कि हार्डवेयर के साथ इसका कम्युनिकेशन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कम्युनिकेशन होता है सीधे आपके हार्डवेयर के साथ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट रन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को चलाता है। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी, और इसी को बोलते हैं बूटिंग, BOOTING, बूटिंग बोलते हैं। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जैसे कंप्यूटर को हम स्विच ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। यहां पे कंप्यूटर मेमोरी कौन सी बात की जा रही है, आपकी रैम की बात की जा रही है, ठीक है। रैम पे डेटा सबसे पहले क्या होता है, लोडिंग होती है। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज, यूनिक्स, MS-DOS, Mac OS and Solaris. These are the some main हमारे क्या है, popular operating system है। अब बेटा हम बात करेंगे language processor की, ठीक है। Language processor क्या होता है, जो हमारे computer application को क्या करता है, हमारे high level language से low level language में convert करता है। A computer understand instruction in the form of machine code. Yes, हमें पता है computer क्या करता है, सिर्फ machine code को understand कर पाता है, यानी कि 0 और 1 के form को। The programs are written in English like high level language called source code. जब हम कोई software develop करते हैं तो, या फिर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे कि C++, जावा, राइट, पाइथन, इन लैंग्वेज का यूज करते हैं, और ये सारी लैंग्वेज हमारी क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। इसमें जो भी हम कोडिंग लिखते हैं उसको बोलते हैं सोर्स कोड। दिस सोर्स कोड मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू बी एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे प्रोग्रामिंग कोड है उनको क्या करना, क्या होना होता है, कन्वर्ट होना होता है, ताकि हमारा कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके, समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। द ट्रांसलेटर प्रोग्राम, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लैंग्वेज इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर। यानी कि लैंग्वेज प्रोसेसर एक प्रकार का क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, जो हमारे सोर्स कोड को, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, उसको कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि 1-2 में, 1-0 में कन्वर्ट करता है। द प्रोग्राम ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। और इस तरह के प्रोग्राम जिसको कि कन्वर्ट किया जाता है किसी दूसरे मशीन कोड में, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब हमारा असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर, यही हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर है। इसके तीन प्रकार होते हैं बेटा, देखते हैं असेंबलर क्या करता है। पहला हमारा है, इट इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। यानी कि अगर आपकी, सबसे पहले क्या होता है, सोर्स कोड जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो एक ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होती है, और उसको ही बोलते हैं असेंबली, ठीक है बेटा। याद रखिएगा, जो आपका सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज जो कोड लिखा है उस कोड को कन्वर्ट करता है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर, और जब लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट करने के बाद जो कोड बनता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड, और उसी ऑब्जेक्ट कोड को बोलते हैं असेंबली।
उस असेंबली कोड को कन्वर्ट करना होता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में, और उसको कन्वर्ट करने के लिए होता है असेंबलर। सो इट इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं कंपाइलर की। इट इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। जैसे कि सिंपल डायरेक्टली क्या करता है आपका कंपाइलर, हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज। जैसे कि सी प्लस प्लस का कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को सी लेवल मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर भी का काम यही है, हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है, बट लाइन बाय लाइन, सोर्स कोड को एक साथ नहीं लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको इंटरप्रेटर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पर हम एक्चुअल में यूजर वर्क करता है, जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट हो गया, हमारा पेंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, हमारा नोटपैड हो गया, हमारा कोई गेमिंग एप्लीकेशन हो गया, या हमारा कोई स्पेसिफिक लाइक रेलवे रिजर्वेशन का कोई एप्लीकेशन हो गया, बैंकिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर हो गया, एजुकेशन सिस्टम का सॉफ्टवेयर हो गया, पेरोल सिस्टम का कोई सॉफ्टवेयर हो गया, इस तरह के सॉफ्टवेयर को जिस पर कोई यूजर वर्क करता है फॉर देयर कन्वीनियंस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइंड टू परफॉर्म अ सर्टेन टाइप ऑफ वर्क, किसी स्पेसिफिक प्रकार के वर्क को कंप्लीट करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। जैसे कि आपको अगर मोबाइल में बहुत सारे एप्स होते हैं, कॉलिंग का ऐप होगा, मैसेजिंग का ऐप होगा, गेमिंग का ऐप होगा, व्हाट्सएप का ऐप है, मैसेंजर का ऐप है, ठीक है, उसी तरह से आपको कैलकुलेशन का ऐप है, इमेज का ऐप है, गैलरी का है, ठीक है, बहुत सारे वहां पे कॉन्टैक्ट को स्टोर करने का ऐप है, हर एक ऐप का अपना एक यूटिलिटी है, ठीक। उसी तरह से किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी अपना एक यूनिक वर्क होता है और उसको क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, pertains to one specific application, for example software written to calculate salary of the school employees cannot be used to prepare school result। यानी कि जो सॉफ्टवेयर स्कूल के एम्प्लॉयज की सैलरी को डिजाइन करता है, कैलकुलेट करता है, उस सॉफ्टवेयर से हम स्कूल के बच्चों का रिजल्ट नहीं बना सकते हैं। यानी कि दो अलग अलग टास्क हैं, दो अलग अलग टास्क के लिए दो अलग अलग हमें एप्लीकेशन की जरूरत होगी। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड एज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, यानी कि जनरली जितने हमारे जो लोग हैं उन जो कॉमन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं फॉर जनरल टास्क के लिए उसको जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बोलते हैं, एंड स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन जो कि किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल, एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर। यानी कि हमारे जितने भी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में कौन कौन से हैं, कि वो सॉफ्टवेयर आते हैं जिसको जनरली पब्लिक यूज करती है फॉर देयर वर्क के लिए, ठीक है ना। अब ये कोई भी पब्लिक इसको यूज कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए अब स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन जैसे कि हमारा बैंकिंग सिस्टम में, पेरोल में, ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन में, इस तरह का जो हमारा सिस्टम होता है उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसका पर्पस ही अलग होता है सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए। जैसे मान लीजिए स्कूल मैनेजमेंट के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वहां पर हमारे स्कूल होगा, स्टूडेंट्स होंगे, एडमिशंस होंगे, एग्जाम्स होगा, रिजल्ट आएगा, ठीक है, इंप्लॉइज होंगे, उनकी सैलरी होगी, ये हो गया। अब मान लो अगर बैंकिंग में हो तो बैंकिंग में कस्टमर्स होंगे, बैंकिंग में कस्टमर के साथ उनका ट्रांजेक्शन होगा, लोन डिपार्टमेंट होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट वेरीज करता है। तो टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू डिफरेंट क्या चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं बेटा यूटिलिटी प्रोग्राम की। ये जो प्रोग्राम है ये आपका एक प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट ही होता है, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट टूल। आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर फाइल को क्रिएट करना, फाइल को डिलीट करना, फाइल को अपडेट करना है, रीनेम करना है, इसके लिए जो आपको हेल्प करता है टूल वो आपका यूटिलिटी होता है। यानी कि जितनी प्रकार की यूटिलिटी आप यूज करने जाते हैं कंप्यूटर के अंदर वो आपका यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। जैसे कि आपको बैकग्राउंड चेंज करना है कंप्यूटर का, सेटिंग चेंज करनी है, कोई सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है, ठीक है, आपको मेमोरी रिलीज करनी है, ठीक है, डिलीट करनी है कुछ मेमोरी, अनवांटेड स्पेस को क्या करना है, रिलीज कर देना है, रिमूव करना, उसके लिए आपका यूटिलिटी प्रोग्राम यूज होता है। अ यूटिलिटी प्रोग्राम इज यूज्ड टू परफॉर्म अ मेंटेनेंस वर्क ऑफ अ सिस्टम और ऑन द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। जैसे एग्जांपल में एंटीवायरस हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम हो गया, फाइल मैनेजमेंट हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब जैसे कि इसका और भी है,
डिस्क क्लीनर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, ठीक है, कंप्रेशन, फाइल मैनेजमेंट, एंटीवायरस, ये हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इनको क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको बोलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। जैसे कि एंटीवायरस, दिस प्रोग्राम हेल्प टू डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग वायरस, ठीक है, फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल नॉर्टन एंटीवायरस, मैकाफे वायरस एंड क्विक हील, ये हमारे क्या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कि हमारे हेल्प करते हैं किसी प्रकार के वायरस को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम से। फाइल मैनेजमेंट टूल, दिस टूल हेल्प स्टोरिंग, सर्चिंग एंड स्टोरिंग फाइल फोल्डर ऑन सिस्टम, ठीक है, विंडोज एक्सप्लोरर भी हमारा क्या है, एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। कंप्रेशन, दिस हेल्प, दिस प्रोग्राम या दिस यूटिलिटी हेल्प अस टू कंप्रेस द साइज ऑफ अ लार्ज फाइल, ठीक है, इसको स्मॉल फाइल में कन्वर्ट कर देना। डिस्क मैनेजमेंट में हमारा क्या आता है, डिस्क क्लीनर, ठीक है, अनवांटेड स्पेस को क्या करता है, रिमूव कर देता है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर भी करता है हमारे डिस्क, यानी कि हमारे जो हार्ड डिस्क है उसको क्या करता है, डिफ्रैगमेंट करता है, जिससे हमारा स्पेस बढ़ता है, ठीक है, और कंप्यूटर भी हमारा अच्छे से वर्क करता है। तो इस तरह से हमने, अब एक और भी हमारा बैकअप है। बैकअप क्या करता है हमारा, कि मान लो किसी प्रकार की जो आपकी फाइल है उसको आपको बैकअप चाहिए, ताकि एक बार अगर फाइल मान लो अनवांटेड, या फिर अगर आपकी फाइल एक डिलीट हो जाती है, ठीक है, तो आपकी वो उसका एक बैकअप होना चाहिए आपके सिस्टम में। तो उस तरह के हमारे यूटिलिटी क्या बोलते हैं, बैकअप प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। नाउ बैकअप मींस मेकिंग अ डुप्लीकेट ऑफ द फाइल दैट इज स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर, राइट, दिस प्रोग्राम इज यूज्ड टू टेक बैकअप कॉपी ऑफ द डेटा इन द केस ऑफ द ओरिजिनल डेटा इज लॉस्ट, ठीक है, एक्सीडेंटली इफ योर डेटा इज लॉस्ट यू कैन रिकवर योर डेटा फ्रॉम द बैकअप, ओके। सो दिस इज अबाउट the next term about the component of the computer system jo maine aapko discuss kiya. Now there is a worksheet 1, there is a 5 question, you have to complete this 5 question for your homework, clear. Iske baad worksheet 2 hai, you have to complete this worksheet 2 also, right. This is worksheet 1 and this is worksheet 2, right. Worksheet 2 1 mein kitne question hai, there is a 5 question for in worksheet 1 and there is a 10 question in worksheet 2. You can see here worksheet 2 mein पहला क्वेश्चन यहाँ MCQs है, कुछ क्वेश्चन यहाँ MCQs है, राइट, एंड यहाँ पे 10 क्वेश्चंस है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी, राइट, दीज आर द स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। नाउ द स्टोरेज यूनिट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, प्राइमरी स्टोरेज एंड द सेकेंडरी स्टोरेज। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट द प्राइमरी स्टोरेज। जैसे कि बेटा यहाँ पे पता है प्राइमरी का मतलब क्या, जो पहली बार है, जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट होते ही जो मेमोरी पहले बार वर्किंग स्टेट में आती है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही जो मेमोरी पहले बार पहली पहले आएगी डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी स्टोरेज होगा, ठीक है। द प्राइमरी स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्राइमरी मेमोरी, इट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, इट कैन बी रैम एंड रोम, ठीक है। इस तरह की मेमोरी को डायरेक्टली कौन एक्सेस करता है, सीपीयू एक्सेस करता है, ठीक है, हार्ड डिस्क नहीं, सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस दिस मेमोरी फर्स्ट। फंक्शन ऑफ द प्राइमरी मेमोरी आर हियर, डेटा इज फीड एंड हेल्ड अंटिल इट इज रेडी टू बी प्रोसीड, यानी कि डेटा यहाँ पे कब तक रहता है, जब तक कि प्रोसेसिंग नहीं होता है तब तक डेटा यहाँ पर टेम्पररी स्टोर रहता है। इट इज यूज टू होल्ड डेटा बीइंग प्रोसीड एंड द इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। और प्राइमरी मेमोरी क्या स्टोर करता है, डेटा को, जो कि हमारा रॉ फैक्ट इन इंस्ट्रक्शन है, इसके अलावा जो प्रोसीडेड डेटा है, यानी कि इंटरमीडिएट प्रोसीडेड डेटा को भी ये क्या करता है, स्टोर करता है। इट होल्ड द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, और इसके साथ साथ क्या करता है, जो रिजल्ट आता है आफ्टर प्रोसेसिंग उसको भी स्टोर करता है। इट होल्ड द प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन, और क्या करता है, जो प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको भी होल्ड करता है। जैसे कि मान लेते अगर हमको एक प्रिंट आउट देना है, ठीक है, हमारे पास एक कॉपी है, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, उसमें 10 पेज है, 10 पेज को हमको प्रिंट आउट देना है फ्रॉम द 5th पेज टू 10th पेज, हमको सिर्फ इतना ही देना है। तो एक तो हो गया हमें प्रिंट आउट देना, ये पहला हमारा इंस्ट्रक्शन हो गया। दूसरा इंस्ट्रक्शन हो गया फ्रॉम पेज नंबर 5 टू पेज नंबर 10, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये भी इंस्ट्रक्शन हमारा कहां पे स्टोर होगा, मेमोरी में जाके स्टोर होगा, ठीक है। और हमारी फाइल जो कि प्रिंट होने वाली वो भी कहां पे, इसका टेम्पररी कहां पे स्टोर होगा, वो भी रैम पे जाके स्टोर होगा, ठीक है। नाउ अब यहां पे बात करेंगे
मेमोरी यूनिट की। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, व्हेन कम्स इनटू द पिक्चर व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम इज ऑन। जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है सबसे पहले ये मेमोरी प्राइमरी मेमोरी आती है पिक्चर्स के अंदर। पिक्चर का मतलब वर्किंग में आती है। ठीक है, इसमें रैम और रोम होता है। राइट, रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं और रीड रोम को रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। इसके भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, वी विल सी द नेक्स्ट वीडियो। नाउ नेक्स्ट वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द मेमोरी यूनिट। अब यहाँ पे यूनिट की बात क्या है, जैसे मेजरमेंट। ठीक है, जैसे मान लो हम अगर मुझे किसी एक रूम है यानी कि एक हमारा होम है या हाउस है, उसका मेजरमेंट करना कि हाउस कितने स्क्वायर फुट एरिया में बना है, तो स्क्वायर फुट क्या हुआ, उसका मेजरमेंट हुआ। या किसी भी वेट करना, किसी का वेट कर करना है तो वो भी मेजरमेंट हुआ। ठीक है, एक बोतल के अंदर कितना पानी, उसको लीटर में क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक उसी तरह से एक हमारे कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क में कितना डेटा है उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, तो मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, मेमोरी यूनिट पढ़ते हैं। यानी कि आपको पता है जब भी हम कोई डेटा कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो फाइल के फॉर्मेट में स्टोर होती है, तो फाइल जब फाइल में स्टोर होगी तो फाइल का एक मेमोरी साइज होगा और उस मेमोरी साइज को हम लोग बिट में, बाइट में, किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, टेराबाइट में, पेटाबाइट में, एक्साबाइट में, जीटाबाइट में और योटाबाइट में कैलकुलेट करते हैं। इतने सारे की तरफ हमारे बाइट होते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। एलिमेंट्री यूनिट ऑफ मेमोरी इज बिट, यानी सबसे जो छोटा मेमोरी यूनिट होता है वो क्या होता है, बिट होता है। अ ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निबल, यानी कि एक बिट यानी कि 0 1 और एक से ज्यादा यानी कि 4 बिट मिला के क्या बनता है, एक निबल बनता है। एंड ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट, यानी कि 8 बिट मिलाकर क्या बनता है, बाइट बनता है। याद रहेगा 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट और 4 बाइट सॉरी 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट। 1 निबल कितना होगा, 4 बिट होगा, याद रखिएगा आप इसको। नाउ 1 किलोबाइट यानी केबी का मतलब 1024 बाइट्स होगा, उसी तरह से आगे हमारा कंटिन्यू होता चला जाता है। ठीक है ना, इस तरह से हम देखते हैं 1024 केबी, फिर 1024 एमबी, 1024 जीबी, इसे कन्वर्ट होता जाएगा, यू कैन सी। अब आता है बेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैम इज यूज्ड टू होल्ड एक्टिव इंफॉर्मेशन इन द करंट इंफॉर्मेशन जो या करंट एप्लीकेशन जो वर्किंग स्टेट में है उसकी इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करता है, रैम स्टोर करता है। यानी मान लो अगर जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल ओपन की है, उस पीडीएफ फाइल को सबसे पहले कौन स्टोर करेगा, रैम स्टोर करेगा। ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन इन रैम इज स्टोर्ड इन रैंडम ऑर्डर, यानी किसी भी ऑर्डर में आपका डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टोर नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाउ नेक्स्ट वन इज, इट इज अ टेम्पररी मेमोरी, व्हेन पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज लॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही पावर सप्लाई बंद होती है कंप्यूटर के अंदर, वैसे ही रैम से डेटा क्या होता है, लॉस हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो इट इज नोन एज वोलाटाइल, और इसी नेचर को क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। क्लियर, ठीक है, व्हेन द कंप्यूटर स्विच ऑफ डेटा इज गेट लॉस्ट, राइट ना, दैट नेचर इज नोन एज वोलाटाइल मेमोरी। इट इज ऑल्सो नोन एज रीड एंड राइट मेमोरी, एज इंफॉर्मेशन कैन बी रीड फ्रॉम द रैम एंड ऑल्सो रिटर्न इन टू इट, यानी कि ऑन टू, यानी कि यहाँ पे क्या है, डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं टेम्पररी और डेटा को रीड भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम में बी इरेज और रिटर्न ओवर, इसको इरेज भी, इरेज हो जाता है और इसके ऊपर भी ओवरराइट कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी, अब यहाँ पे बेटा रीड ओनली मेमोरी की बात करेंगे। रोम इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेन मेमोरी, जैसे कि रैम है। इट इज यूज टू स्टोर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाई द मैन्युफैक्चरर टू चेक बेसिक हार्डवेयर एंड टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम एप्रोप्रिएट स्टोरेज डिवाइस। इसका मतलब क्या है, रोम जो है आपका बेसिक जो इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट जो आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो आपका है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने का या कंप्यूटर हार्डवेयर को स्टार्ट करने का जो सॉफ्टवेयर है, ये कहां पर, रोम में प्लेस कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर डेटा को रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है, इस रैम की मेमोरी को रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। स्टोरेज ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन रोम इज परमानेंटली अंटिल इट इज रिटर्न ओवर, जब तक इस पे दोबारा ना लिखा, तब तक डेटा क्या होता है, इसमें स्टोर रहता है परमानेंटली। देखो दोनों प्राइमरी मेमोरी में आते हैं,
ठीक है, लेकिन रैम हमारा क्या है, हमारा टेम्पररी, या रोम क्या है, परमानेंट है। द कंटेंट ऑफ द रोम आर नॉट लॉस्ट व्हेन पावर सप्लाई स्विच्ड ऑफ। इसका मतलब पावर सप्लाई स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में डेटा रहता है, रोम रिटेन देयर डेटा, ठीक है, रिमेन देयर डेटा। दैट इज व्हाई रोम इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसीलिए रोम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज की। सेकेंडरी स्टोरेज में बेटा क्या आता है, कंप्यूटर मेन मेमोरी स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पररी, यानी जो हमारी मेन मेमोरी होती है डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है। द सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू इज यूज, इसलिए हमको अगर आपको कंप्यूटर को परमानेंटली डेटा स्टोर करना है तो सेकेंडरी मेमोरी यूज होती है, ठीक है, या फिर बल्क इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है तो सेकेंडरी मेमोरी हम यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे क्या सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, द इन्फॉर्मेशन स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट लॉस्ट, सो इट इज ऑल्सो नॉन वोलेटाइल मेमोरी। दीज डिवाइस आर नॉन वोलेटाइल एज डेटा इज स्टोर्ड इन दीज डिवाइस टिल द डिलीट। जब तक आप डिलीट नहीं करते हैं तब तक डेटा इसके अंदर स्टोर रहेगा परमानेंटली। अब क्या क्या होती है सेकेंडरी डिवाइस में, हमारा हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, हमारा सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये हमारे कितने क्या क्या बोला जाता है, इनको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं ना, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में जो हमारे इंस्ट्रक्शन जिसके थ्रू हम देते हैं, जैसे कि मान लो हमारा लाइट पेन हो गया, माउस हो गया, कैमरा हो गया, जॉयस्टिक हो गया, कीबोर्ड हो गया, राइट, टैबलेट हो गया, हमारा स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये सभी हमारे क्या इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। आउटपुट डिवाइस में क्या आएगा बेटा हमारा, ठीक है, आउटपुट डिवाइस में वो डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, राइट, ये हमारे किसमें आ गए, प्रोजेक्टर हो गया, हमारा आउटपुट डिवाइस में आएंगे, ठीक। स्टोरेज डिवाइस में हमारा हार्ड डिस्क वगैरह आएगा, ठीक है, जहां पे हम परमानेंट डेटा को हार्ड स्टोर करते हैं। ऑल कंप्यूटर हैव अ हार्ड डिस्क ड्राइव इंस्टॉल्ड इन देम, पहले से इसमें रहता है। इट इज यूज्ड टू स्टोर फाइल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल भी यहां पे स्टोर होती है, सॉफ्टवेयर एंड अदर फाइल्स। अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट दिस इंस्टॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव, राइट। नाउअडेज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव आर यूज्ड टू टेक बैकअप फ्रॉम ऑफ डेटा ऑन द कंप्यूटर, ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल डेटा है, हार्ड डिस्क है, जो कि बैकअप के लिए यूज होता है, क्लियर बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। नाउ देयर इज अनदर वर्कशीट हियर, राइट, देयर इज अनदर वर्कशीट हियर, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट इन योर होमवर्क कॉपी, क्लियर। सो टिल देन आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय वीडियो हियर, राइट। Till then, keep watching, keep learning, and keep sharing. Thank you very much, student, for watching it.